सो गाइस ये देख लो, आज हमारे सामने खड़ी है 2024 की न्यू वाली क्लासिक 350 कमांडो सेंट कलर। अगर आप डिफेंस लवर हैं, चाहे आप डिफेंस में हैं, चाहे आप आर्मी में हैं, तो ये जो कलर है आप पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सूट करने वाला है, क्योंकि इसका जो कलर है कुछ सिमिलर ही आपको डिफेंस के जैसा ही देखने को मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी का डिटेल ऑलराउंड रिव्यू देने वाला हूँ, और जो पुराने वाले जो कमांडो कलर के आते थे क्लासिक 350 उसमें, और इसमें आपको 6 से 7 न्यू अपडेट भी किया गया है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से हर एक कुछ बताने वाला हूँ। क्या कुछ प्राइस पड़ जाता है, माइलेज कितने का निकाल पाओगे, टॉप स्पीड क्या है, और साथ साथ इसमें आपको क्या क्या बेस्ट फीचर्स देखने को मिलेंगे, हर एक उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले इसके फ्रंट प्रोफाइल के साथ ही शुरुआत किया जाए। वैसे आप लुक एंड डिज़ाइन में देखोगे तो आपको कुछ भी अंतर नहीं देखने को मिलेगा। जैसे आप की को ऑफ करके ऑन करते हो, आप यहाँ पे DRL लाइट देख सकते हो, चाहे आप पायलट लैंप देख पाओगे। पहले आपको हेलोजन बल्ब के मिलते थे, वो आपको यहाँ पे टोटली LED में दे दिया गया है, और इस जगह पे आपको जो लाइट मिलता है, जो आपको पहले हेलोजन बल्ब के मिलते थे, इसे भी आपको टोटली चेंज करके जो हिमालयन 450 में लाइट मिलता है वही आपको यहाँ पे सेम यूज़ कर दिया गया है। LED के मिलेंगे, इल्यूमिनेशन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। बट ये जो आप वेरिएंट देख रहे हो, जो कि आपको मिड वाला वेरिएंट है, जिसमें कि आपको इंडिकेटर में 1000 लाइट के पॉइंट तो मिल जाते हैं, बट इंडिकेटर आपको LED में नहीं दिया गया है। इसके ऊपर वाले मॉडल में जाओगे ऑफकोर्स आपको LED में इंडिकेटर मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो इसका सस्पेंशन, जो कि आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है, 41 mm के देखने को मिलेंगे। टोटली आपको कवर सस्पेंशन मिलता है, और सस्पेंशन पे ही दोनों साइड आपको रेड कलर के रिफ्लेक्टर भी मिलेंगे। मडगार्ड देख लो, जो कि आपको टोटली मेटल में मिलते हैं, यहाँ पे भी आपको डुअल टोन कलर का यूज़ दिया गया है, और यहाँ पे भी आपको कुछ ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा। नीचे में देखोगे तो आपको यहाँ पे 300 mm के डिस्क मिलेंगे, दोनों ही चक्के में आपको ABS मिल जाएगा, बाइब्री के ब्रेक कैलिपर्स दिए गए। फ्रंट का जो टायर है, जो कि आपको सीएट कंपनी का मिलता है, 100/90 सेक्शन के आपको टायर मिलेंगे, और इसमें आपको स्पोक व्हील देखने को मिलेगा, जो कि आपको 19 inches को आपको सपोर्ट करने वाली है। साइड प्रोफाइल की ओर आओगे तो यहाँ से इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल भी देख सकते हो, जो टैंक कैपेसिटी मिलता है, जो कि आपको 13 लीटर के साथ देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको डुअल टोन कलर में आपको ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे जहाँ कि आपको मेड लाइक का गन, और यहाँ पे आपको रॉयल इनफील्ड का आपको यहाँ पे ग्राफिक्स देखने को मिलेगा, कुछ आपको स्टिकर के रूप में दिया गया है, और नीचे में आप यहाँ पे देख लो जहाँ कि आपको कुछ नंबर को भी मेंशन किया गया है। बीचों बीच आपको यहाँ पे फ्यूल कैप देखने को मिलेंगे, क्रोम के साथ मिलता है, और गाड़ी ऑफकोर्स आपको E20 को भी सपोर्ट करने वाली है। सीट की ओर आओगे तो इसमें भी आपको 2-piece सीट मिलता है, फिलहाल अभी आपको 1 ही piece सीट लगा हुआ है, जब भी आप डिलीवरी लोगे उस वक्त ये भी सीट आपको पहले से ही लगा के दिया जाएगा। यहाँ पे आप साइड पैनल देखोगे जहाँ कि आपको अंदर में कुछ सामान रखने के लिए जगह दिया गया है, यहाँ पे भी आपको डुअल टोन कलर के यूज़ मिलेंगे, यहाँ पे आपको ब्लू कलर के साथ क्लासिक 350 को मेंशन किया गया है। रियर का जो सस्पेंशन है, जो कि आपको टोटली ब्लैक कलर में मिलेंगे, ट्विन शॉक एब्जॉर्बर के सस्पेंशन दिए गए हैं, 6 स्टेप में आप इसे एडजस्ट भी कर पाओगे, और जो रियर का डिस्क है, जो कि आपको 270 mm का दिया गया है, बाइब्री के ब्रेक कैलिपर्स, और यहाँ पे भी आपको ABS के प्लेट मिलते हैं, और जो एग्जॉस्ट दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे, टोटली आपको ब्लैक कलर में मिलेगा, ऊपर में आपको यहाँ पे मेटल के प्लेट भी देखने को मिल जाएंगे। जो रियर टायर है, जो कि आपको 120 सेक्शन का मिलेगा। गाड़ी के टोटली आप रियर प्रोफाइल की ओर आओगे तो यहाँ पे आपको LED में आपको टेल लाइट मिलना स्टार्ट हो गया है, दोनों साइड आपको यहाँ पे 1000 लाइट के पॉइंट, नंबर प्लेट आपको यहाँ पे लग जाएगा, और इस जगह पे आपको कुछ भी रिफ्लेक्टर नहीं दिए गए हैं। लेफ्ट प्रोफाइल आप यहाँ पे देख पाओगे जहाँ की आपको सारी कार और लेडीज फुटेस्ट आपको टोटली एक साथ आपको कनेक्टेड देखने को मिल जाएगा। हुक आपको यहाँ पे दिया गया है ताकि गाड़ी को आप डबल स्टैंड पे इजिली लगा सकते हो, और नीचे में जो चेन दिया गया है, जो कि आपको टोटली खुले देखने को मिलेंगे। पिलियन का फुटेस्ट आपको यहाँ पे दिया गया है, मिडिल स्टैंड इस जगह पे मिल जाएगा, साइड स्टैंड आपको यहाँ पे मिलेंगे, साइड स्टैंड में आपको साइड स्टैंड कटअप सेंसर, और गाड़ी में आपको टोटल 5 गियर का ट्रांसमिशन भी मिल जाएगा। गाइस मीटर कंसोल की ओर आओगे तो यहाँ पे भी आपको अपडेट देखने को मिलेगा। इसके चारों ओर देखोगे तो आपको यहाँ पे टोटली क्रोम के यूज़ मिलेंगे, सेमी डिस्टेंस में आपको यहाँ पे मीटर दिया गया, ऊपर में आपको स्पीडोमीटर मिलेंगे, यहाँ पे आपको न्यूट्रल के इंडिकेटर, लेफ्ट एंड राइट एंड लो बैटरी इंडिकेटर्स, ABS वार्निंग लाइट, लो फ्यूल के आपको यहाँ पे इंडिकेशन दिए गए हैं। इससे मैं ऑफ करके ऑन करूँ, ये आप देख लो कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे स्वाइप मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको जो डिजिटल पार्ट है जहाँ कि आपको फ्यूल गेज दिए गए हैं, ट्रिप ऐप शो कर रहा है, और जो पहले इस गाड़ी में आपको गियर पोस्ट इंडिकेटर नहीं मिलता था वो अब आपको यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो गया है, और नीचे में आपको ट्रिप ऐप भी शो कर रहा है, और इसे टॉगल करने के लिए आपको यहाँ पे एक आई बटन दिया गया है, इसे जब आप दबाओगे तो आप यहाँ पे देख लो जो कि आपको डिजिटल में क्लॉक मिल जाएगा, फिर से एक बार प्रेस करोगे आपको ओडोमीटर में चला जाएगा, ट्रिप ऑन मिल जाएगा, फिर से आप दबाओगे तो आपको ट्रिप टू में चला जाएगा, और इसमें आपको इको मोड भी देखने को मिलता है, और साथ साथ इसमें आपको सर्विस रिमाइंडर भी दिए गए हैं, बट इस वाले वेरियंट में आपको ड्राइवर नेविगेशन नहीं देखने को मिलेगा, और जो की दिया गया है जो कि आपको टोटली वेव डिज़ाइन के साथ ही देखने को मिलेगा। सिंगल पाइप का आपको यहाँ पर हैंडल बार दिया गया है, जो कि आपको टोटली ब्लैक कलर में देखने को मिलेंगे,
और इधर आप स्विचेस की ओर आ सकते हो, जहाँ कि आपको लो बीम, आपको हाई बीम और यहीं पे आपको पासिंग के बटन, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न का स्विच और ये आपका हॉर्न का स्विच दिया गया है। और इसी के जस्ट नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ कि आपको चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। पहले आपको यूएसबी पोर्ट मिलते थे, उसे चेंज करके आपको यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट दे दिया गया है। इधर आप देख लो जहाँ कि आपको इंजन ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया है, यहीं से सेल्फ स्टार्ट कर पाओगे, किक स्टार्ट की कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेंगे और हज़ार लाइट पॉइंट आपको यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए जगह दिया गया है। तो गाइज अभी जस्ट आपने इसका साउंड को सुना, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हो। वही आपको पुराना वाला ही इंजन देखने को मिलेगा, 349 सीसी के देखने को मिलेंगे, सिंगल सिलेंडर, फोर स्टॉक, टू वेल्व के साथ दिया गया है, जो कि आपको एयर कूलिंग और आपको ऑयल कूलिंग दोनों को ही सपोर्ट करने वाली है। माइलेज अप्रोक्स आप देखोगे तो 30 से 35 का आप आराम से निकाल सकते हो। टॉप स्पीड लगभग आपको 90 से 100 किलोमीटर पर आवर का मिल जाएगा। और जो पावर देती है ये गाड़ी, जो कि आपको 20.2 पीएस का पावर और आपको 27 न्यूटन मीटर का ये गाड़ी आपको टॉर्क देने वाली है। और गाड़ी का जो वजन है जो कि आपको 195 केजी के रखे गए हैं, सीट हाइट आपको 805 एमएम का रखा गया है। अगर आपका हाइट 5.5 फीट है तो आराम से इस गाड़ी को चला पाओगे। एक बार मैं आपको बैठ के भी दिखाता हूँ, ये आप देख लो मेरा जो हाइट है जो कि आपको 5.6 इंचेस है और दोनों साइड आप मेरा पैर देख पाओगे। हल्का सा हटने में प्रॉब्लम आ रहा है, टोटली फ्लैट नहीं हो पा रहा है, उसके बावजूद मैं इस गाड़ी को आराम से चला सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और जो प्राइस है इस गाड़ी का, जो कि ये आपका सिग्नल वाला वेरियंट है, जिसका कि आपको एक्स शोरूम प्राइस 216,000 रुपये रखा गया। और जो ऑन रोड प्राइस पड़ता है हमारे नियर सिटी शोरूम रांची में मार्बल ऑटो बाइक्स पे, जो कि आपको 247,000 रुपीज़ रखा गया है। शोरूम का जो भी डिटेल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको सब शोरूम विजिट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आके किसी भी रॉयल इनफील्ड के बाइक को चूज़ कर पाओगे। तो मैंने कहा जिस गाड़ी के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थे इसके डिटेल रिव्यू में, वो सब कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। कन्फ्यूज़न होता है आपको, सब कमेंट करके पूछ सकते हो और साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर पाओगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।